क्वेश्चन 4 फ्रॉम क्लास 8 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। ठीक है, तो इन द लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द राज्यसभा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोकसभा, एंड इन द लेक्चर नंबर 3 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में हमने ये पढ़ा था कि दो वंस द इलेक्शन वर हेल्ड इन द लोकसभा, तो लोकसभा में जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो आफ्टर दैट द पार्लियामेंट हैज टू परफॉर्म द सर्टेन फंक्शन। ठीक है, पार्लियामेंट को बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं, तो उनमें से हमने जो पहली फंक्शन पढ़ी थी दैट वाज टू सेटल द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, टू सेटल द नेशनल गवर्नमेंट में हमने पढ़ा था कि जो मतलब लोकसभा में जो भी मेंबर्स होते हैं दीज आर नोन एज द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, 543 प्लस 2 मेंबर्स जो एंग्लो इंडियंस होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो सेटल द नेशनल गवर्नमेंट में हमने ये बताया था कि जब इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी लीडिंग पार्टी होते हैं, मीन दैट जो वो पार्टी जिसने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सीट्स जीते हैं, या वो पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर्स लोकसभा में होती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो पार्टी मेक्स द गवर्नमेंट एट द सेंटर, मेक्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल, मेक्स द गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल। ठीक है, तो यूनियन लेवल, स्टेट लेवल, सॉरी यूनियन लेवल, सेंटर लेवल पे वो गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि ऑलमोस्ट वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है जो ऑलमोस्ट 272 जिसके मेंबर्स ऑलमोस्ट होते हैं कहाँ पे, लोकसभा में, मीन दैट जो भी लीडिंग पार्टी होती है जिसने सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल की है, तो वो पार्टी मतलब गवर्नमेंट बनाती है एट द सेंटर। एंड ऑल द रिमेनिंग पार्टीज, जो भी बाकी पार्टी जो होती है, दीज आर द अपोजिशन पार्टीज। तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अपोजिशन पार्टीज किनको बोलते हैं हम और अपोजिशन पार्टी किसको बोलते हैं हम। ठीक है बेटा, तो आफ्टर दैट द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट द पार्लियामेंट हैज टू परफॉर्म इज द टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ है कि जैसे कि सुनो, क्या होता है कि जब नेशनल गवर्नमेंट बनती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे एग्जांपल ये है बीजेपी की। ठीक है, तो बीजेपी जो है हैज गॉट अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स मेंबर्स इन लोकसभा। ठीक है बेटा, तो मीन्स दैट जो बीजेपी पार्टी ने क्या किया, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी लोकसभा में हासिल की है। ठीक है, आए समझ में, तो जब मेजॉरिटी हासिल की है तो द पार्टी बीजेपी पार्टी विल मेक द गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो यही पार्टी क्या करेगी, मेक द गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो सेंटर में किसकी हुकूमत आएगी, आप बीजेपी की हुकूमत आएगी। क्यों आएगी बीजेपी की हुकूमत, बिकॉज जो बीजेपी जो पार्टी है इसने सबसे ज्यादा मेजॉरिटी हासिल की है कहाँ पे, लोकसभा में। मीन्स दैट जो मेंबर जो लोकसभा है सबसे ज्यादा किस पार्टी से है, बीजेपी से है। दैट इज वाई जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी मेड ए गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो दूसरी फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो जब सुनो, जब बीजेपी जो है, जब इसने गवर्नमेंट बनाई है एट द सेंटर, गवर्नमेंट एट द सेंटर, तो जब इसने गवर्नमेंट सेंटर पे बनाई है, ठीक है, तो आप इस गवर्नमेंट को कंट्रोल करना। ठीक है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, इसको कौन कंट्रोल करता है, मीन दैट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बीजेपी पावर में आ गई, अब ये जो चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। तो जब बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है एट सेंटर में, ठीक, जब सेंटर में गवर्नमेंट बनाई है, तो उसके बाद क्या होता है, दूसरी फंक्शन टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इस बीजेपी की गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, इसको गाइड करना, इसको इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे होती है, किस तरीके से ये मतलब गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से ये गवर्नमेंट को गाइड करते हैं, एंड किस तरीके से ये गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो लोकसभा जो होता है, इट बिगिंस विद अ सेशन नोन एज द क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर, QUESTION, क्वेश्चन आवर। ठीक, क्वेश्चन आवर होता है इसमें। सुनो कि इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू गाइड द गवर्नमेंट, द लोकसभा बिगिंस विद अ सेशन, एक सेशन, SESION, सेशन नोन एज द क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्वेश्चन आवर किसको बोलते हैं हम, क्वेश्चन आवर का मतलब सिंपली ये होता है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या होता है, इट्स अ वे और इट्स अ प्रोसेस टू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। ये वो रास्ता होता है, ये वो अप्रोच होता है, ये वो वे होता है या ये वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पार्लियामेंट जो होता है ये एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। ठीक है, कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में होते हैं, मींस दैट अगर बीजेपी की हुकूमत आई, फॉर एग्जांपल दे गॉट 272 या बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ 214 में क्या हुआ कि जो बीजेपी के जो मेंबर्स थे दैट वाज 282। ठीक है बेटा, तो जो भी 282 इसके अलावा जो भी मेंबर्स थे, फॉर एग्जांपल टोटल मेंबर्स 545 मेंबर्स है, ठीक है, मींस दैट अगर 282 मेंबर्स बीजेपी के है, ठीक, तो जो भी रिमेनिंग मेंबर जो है वो क्या करते हैं, दे रेज्ड अ क्वेश्चन, दे रेज्ड अ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन उठाते हैं। तो क्वेश्चन क्यों वो उठाते हैं, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एंड क्वेश्चन किस पे उठाते हैं, वो क्वेश्चन इस मतलब इस एंगल से वो उठाते हैं कि बीजेपी जो है अगर इसने गवर्नमेंट सेंटर में बनाई है, क्या ये काम अच्छे से करते हैं, क्या इसकी वजह से इकोनॉमी को फायदा हुआ, ठीक, क्या ये मतलब जो भी यहाँ पे मतलब एक्टिविटीज हो रहे हैं, क्या ये मतलब बीजेपी इसमें फेवर करता है या और कुछ, ठीक है, मीन दैट इट बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या हुआ, ये वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से जो पार्लियामेंट होता है ये एग्जीक्यूटिव वो कंट्रोल करता है। मींस दैट जो भी फॉर एग्जांपल 282 मेंबर्स, इसके अलावा जो भी मेंबर्स है, दे रेज्ड अ क्वेश्चन, मींस दैट जो भी एमपीज जो होते हैं, एमपीज इसको बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, दे रेज्ड अ क्वेश्चन, वो एक वो क्वेश्चंस अराइज करते हैं किसके खिलाफ, कि मतलब जो एग्जीक्यूटिव होता है इसके मतलब खिलाफ, फॉर एग्जाम्पल कि इस एंगल से वो क्वेश्चन अराइज करते हैं कि अगर बीजेपी ने गवर्नमेंट सेंटर में बनाई, क्या इनकी वजह से इकोनॉमी में कुछ फायदा हुआ है, क्या इनकी वजह से जो कंट्री जो है तरक्की की है, डेवलपमेंट हुई है, या क्या हुआ है इनकी गवर्नमेंट की वजह से। वो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द पार्लियामेंट, इट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, इट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, ठीक है, तो इनको जो रूलिंग पार्टी जो होती है, फॉर एग्जांपल बीजेपी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, तो अगर वो मतलब कहीं पे भी ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से लोगों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है, तो बाकी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मीन दैट जो भी अपोजिशन मेंबर जो होते हैं, वो क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं अगेंस्ट द बीजेपी कि हाँ बीजेपी ने ये काम अच्छे से नहीं किया, इसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ, बाकी चीज एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। मीन्स दैट कि जो भी ये हो रहा है, ये कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट में होते हैं या अपोजिशन मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट में, वो रेज क्वेश्चन करते हैं कि किसके खिलाफ, रूलिंग पार्टी के खिलाफ, क्या इनकी वजह से इकोनॉमी में प्रोग्रेस हुई है, क्या इनकी वजह से इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुई है, कि इनकी वजह से इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है, तो या इनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, या पॉवर्टी खत्म हो रही है इनकी वजह से या नहीं। मीन्स दैट कि अगर जो गवर्नमेंट जो अगर जो बीजेपी होगा, ठीक है, तो बीजेपी जब हुकूमत करेगी तो ये उस एंगल से करेगी ताकि कोई भी क्वेश्चन उनके खिलाफ अराइज ना हो। मीन्स दैट कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स दैट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हियर डिनोट्स द पीपल्स, क्योंकि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनको हम ही इलेक्ट करते हैं, पीपल ही डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं तो वो क्या करते हैं, दे कंट्रोल, वही कंट्रोल करते हैं किसको, एग्जीक्यूटिव को, वही कंट्रोल करते हैं किसको, पार्लियामेंट गवर्नमेंट को, मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट दे कंट्रोल द गवर्नमेंट, ठीक है, तो यही सेंट्रल फंक्शन है, टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कौन करता है, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इन ऑर्डर टू लुक अपॉन द, मतलब देखना कि जो इस ये जो एक बीजेपी जो पार्टी हुकूमत कर रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्या ये मतलब एवरी फील्ड में अच्छे से काम कर रही है या नहीं, ठीक है, तो ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होता है ये अराइज कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। मीन्स दैट कि क्वेश्चन आवर का क्या मतलब है, ये वो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से पार्लियामेंट जो होता है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। तो मैंने यहाँ पे बताया कि मतलब किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को, किस एंगल से, कि एग्जीक्यूटिव अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से क्या होता है कि
मुल्क में फसाद हो जाता है, मुल्क पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो जाते हैं, हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो जाए, तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि ये मतलब वो काम नहीं करता है। तो अगर ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं अगर वो क्वेश्चन और अगर वो क्वेश्चन पार्लियामेंट में अराइज नहीं करते, ठीक है, देन जो एग्जीक्यूटिव होगा वो अपनी इस मतलब काम को उसी तरीके से चलाएगा जिसकी वजह से, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि नुकसान हो जाएगा या एक्स्ट्रा, मीन्स दैट कि जो एग्जीक्यूटिव होता है इसको आप कौन कंट्रोल करता है, पूरे इस जो पार्लियामेंट जो होता है, पूरे इस गवर्नमेंट जो होता है इसको कौन कंट्रोल करता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। तो दिस वॉज द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। तो हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में, हमने पढ़ा टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, तो ये हमने पढ़ा किस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट होती है। तो दूसरा क्या है, टू कंट्रोल गाइड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, रूलिंग पार्टी काम अच्छे से नहीं कर रही है, तो जो भी मेम्बर्स होते हैं अपोजिशन पार्टी के पार्लियामेंट में, ठीक है, तो दे रेज़्ड अ क्वेश्चन अगेंस्ट दिस, तो इसके खिलाफ वो क्वेश्चन अराइज करते हैं। एंड जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी क्या करती है, जो मतलब जहाँ पे वो गलत कर रही है मतलब वो काम वो वगैरह वहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है, जो जिसपे सारा जो ये मतलब गवर्नमेंट जिसपे सारा ये पार्लियामेंट जो होता है जिसके मतलब इर्द गिर्द ये रिवॉल्व करता है, दैट इज द लॉ मेकिंग, ठीक है, दैट इज द लॉ मेकिंग। तो दीज वेयर द टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन हमने यहाँ पे क्या देखना है, द थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग, ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो अगर आपको पहला लेक्चर याद होगा तो मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कि जो गवर्नमेंट जो होता है इसके तीन ऑर्गन होते हैं, थ्री ऑर्गन, पहला जो था लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज द एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज द जुडिशियरी, ठीक है बेटा। तो जो लेजिस्लेचर पार्ट जो है इसी को हम बोलते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। तो लेजिस्लेचर पार्ट जो है इसको क्या बोलते हैं, हम पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये लेजिस्लेचर पार्ट जो होता है या पार्लियामेंट जो होता है, इट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है बेटा। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कानून बनते हैं, जो भी लॉज बनते हैं, जो भी रेगुलेशन लॉज बनते हैं, तो वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है, ऐसा ही में। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बोला थर्ड इंपॉर्टेंट हो गया लॉ मेकिंग बॉडी, तो लॉ मेकिंग बॉडी कौन है, पार्लियामेंट। जो भी कानून बनता है, जो भी मतलब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। किसकी वजह से बनाता है, मैंने बोला कि लोकसभा होता है इसमें, राज्यसभा होता है इसमें, ठीक है बेटा, राज्यसभा होता है इसमें, एंड प्रेसिडेंट होता है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो अगर देखो क्या होता है कि अगर कोई भी बिल, फॉर एग्जांपल टेकिंग एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल बिल, ठीक है, अगर कोई भी बिल क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी बिल पास करनी होती है, तो फॉर एग्जांपल पहले कहाँ इनिशिएट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल इनिशिएट कहाँ पे अराइज होती है, लोकसभा में, ठीक है। तो लोकसभा क्या करता है, अगर कोई कानून पास करना है, अगर कोई लॉ बनाना है, तो पहले कहाँ पे मतलब करते हैं, लोकसभा में। तो लोकसभा जब ये लिखता है, एंड आफ्टर दैट इट इज सेंड टू द राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा की ओर जाता है ये बिल जो बनाई है लोकसभा ने, तो लोकसभा ने साइन किया है इस पे, ठीक है। तो आफ्टर दैट कहाँ पे जाती है, राज्यसभा में जाती है। तो राज्यसभा जब इसको पास करता है, दोनों लोकसभा ने भी पास किया, राज्यसभा ने भी पास किया, ठीक है, तो तब भी ये लॉ जो है ये लॉ नहीं बनता, जो इन्होंने पास किया ये लॉ नहीं बनता है। तो ये लॉ तब तक नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट जो होता है जब तक इस पे सिग्नेचर ना करेगा, ठीक है। तो मीन्स दैट कि जब प्रेसिडेंट भी इसको इसका सिग्नेचर करता है, ठीक है, तो तब ये एक लॉ बनता है, ठीक है। तो मीन्स दैट कि जो भी लॉ मेकिंग बॉडी जो है ये कौन है, शबा कौन बनाता है लॉ, पार्लियामेंट, ठीक है। जो पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट जो भी लॉज बनते हैं वो पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताई कि अगर आपको कोई भी मतलब पार्लियामेंट या इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी कानून बनाना होता है, ठीक है, या ऐसे हम कह सकते हैं कि बटिंग द एग्जांपल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर की एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, ठीक है। तो फर्स्टली रेज्ड वाज द क्वेश्चन वाज रेज्ड अगेंस्ट द
आर्टिकल 317 था लोकसभा, तो लोकसभा में पास हुआ, ठीक है बेटा। तो आफ्टर दैट कहाँ पहुंचा, राज्यसभा में, राज्यसभा में भी ये पास हुआ। आफ्टर दैट प्रेसिडेंट जो था, प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर किया एंड जो ये आर्टिकल 370 जो था ये एब्रोग्रेट हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, ठीक है। मीन्स दैट इसका मतलब ये हुआ कि जो भी लॉज बनते हैं, जो भी कानून बनते हैं यहाँ पे इंडिया में, वो कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। दैट इज वाई आई हियर रूट दैट कि जो पार्लियामेंट जो है इट्स द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, मीन दैट जो भी लॉज बनते हैं, जो भी कानून बनते हैं, ये कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है बेटा। तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ये फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट हमने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस, कौन कौन सी फंक्शंस है जो पार्लियामेंट को परफॉर्म करनी होती है आफ्टर जब गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो मीन दैट द फर्स्ट फंक्शन दैट पार्लियामेंट हैज टू परफॉर्म इज टू सेटल द नेशनल गवर्नमेंट सेटल करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम उसको बोलते हैं, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। सेकंड हमने ये पढ़ा टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब जो जब गवर्नमेंट सेंटर में बनती है आफ्टर डेट उनको कंट्रोल करना, उनको गाइड करना, उनको इन्फॉर्म करना। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है। मीन दैट जो भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो देखते हैं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट सेंटर में आई है, क्या ये अच्छे से काम करती है, क्या ये अच्छे से काम करती है इन एवरी फील्ड, ठीक है, हर एक फील्ड में अच्छे से काम करती है या नहीं, ठीक है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने बताया यहाँ पे लॉ मेकिंग, जो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी जो है दैट इज द पार्लियामेंट, जो भी कानून, जो भी यहाँ पे लॉज बनते हैं वो पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। एंड आई थिंक दिस विल बी एनफ फॉर यू एंड इंशाल्लाह आई थिंक यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड रिमेंबर इन योर प्रीवियस। थैंक यू।